चैप्टर फर्स्ट, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राज नागर। तो फर्स्ट चैप्टर का पहले जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि लाइफ साइकिल होता क्या है, कि लाइफ स्पान होता क्या है, लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल, फिर उसके बाद डिफाइन रिप्रोडक्शन और उसका पर्पज, रिप्रोडक्शन का क्या पर्पज है, और डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बारे में अपना थोड़ा सा देखा था। उनके बारे में अपन ने नोट्स के बारे में कोई डिटेल नहीं करी थी। नाउ स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपन कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद अपन डिफाइन करते हैं लाइफ स्पान होता क्या है, क्या लाइफ स्पान को डिफाइन करें कि कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उस ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, बर्थ होगा, ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, बर्थ होगा। अब कुछ टाइम बाद वो उसका लाइफ सर्वाइव करेगा, लाइफ सर्वाइव करने के बाद उसका डेथ होगा। मतलब ऑर्गेनिज्म का बर्थ और डेथ, नेचुरल डेथ के बीच का जो भी टाइम पीरियड होगा वो उसका लाइफ स्पान कहलाएगा। तो अपन बात करते हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट लाइफ स्पान। ये हो जाएगा लाइफ स्पान की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या रहेगा, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ का जो भी बीच ऑर्गेनिज्म का बर्थ से और नेचुरल डेथ का बीच का जो पीरियड होगा उसको अपन क्या बोला जाएगा, लाइफ स्पान बोला जाएगा। क्योंकि जो लाइफ स्पान होगा ना, वो लाइफ स्पान कुछ मिनट से लेकर के सम मिनट से लेकर के आपके 1000 ईयर्स तक का होता है। मतलब जो लाइफ स्पान भी अलग, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान डिफरेंट होता है। तो आप बात करते हो तो लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में भी few minutes to several thousand years और ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कितना होगा, कुछ मिनट से लेकर के कुछ सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक का होगा। ये देर का है आपको, वेरियस स्पीसीज का लाइफ साइकिल डिफरेंट, लाइफ स्पान डिफरेंट होता है। मैन फ्लाई का लाइफ स्पान 1 डे का, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक का, फ्रूट फ्लाई का 30 डेज का, राइस प्लांट का जो लाइफ स्पान है वो 3 से 4 मंथ का,
रोज बुक्स का 5 से 10 ईयर्स का, कुछ जो बुक्स हैं उसमें 10 ईयर्स का देर का है, 5 से 7 ईयर हो जाएगा। जो क्रो है उसका 15 ईयर, काव का 20 से 25 ईयर्स, बना ट्री का 25 ईयर, डॉग का 15 से 20 या 15 से 16 ईयर होगा, और उसका लाइफ स्पान 60 ईयर, एलिफेंट का 60 से 90 ईयर लाइफ स्पान रहेगा, पैरट का जो लाइफ स्पान रहेगा 140 ईयर्स रहेगा, टोटल इसका लाइफ स्पान 100 से 150 ईयर्स रहेगा, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान 60 ईयर, बनियान ट्री का 200 से 300 ईयर्स, पेपर ट्री का 2000 से 3000 ईयर्स इसका लाइफ स्पान रहेगा। रेड हुड ट्री का जो लाइफ स्पान रहेगा वो 3000 से 4000 ईयर्स होगा। बात करते हैं लाइफ साइकिल की। जो लाइफ साइकिल होता है, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल की बात करें कि कोई भी वेरियस स्टेज फाउंड इन लाइफ टाइम, जो आपका जो लाइफ टाइम होता है, जो भी ह्यूमन बींग्स होता है उसका जो लाइफ टाइम होता है वो वेरियस स्टेज से होकर के गुजरता है, वहाँ से होकर के निकलता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, पहले बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद उसका बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी के बाद इन्फेंट स्टेज आती है, इन्फेंट के बाद चाइल्डहुड स्टेज आती है, चाइल्डहुड स्टेज के बाद टीनेजर स्टेज आती है, टीनेजर के बाद यूथ स्टेज आता है, यूथ स्टेज के बाद एडल्ट स्टेज, ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टेज के बाद डेथ स्टेज। मतलब बर्थ से लेकर के, या आप कहो जब डेवलपमेंट होता है वहाँ से लेकर के डेथ तक के स्टेज के बीच क्या होता है, आपका जो भी लाइफ साइकिल होता है वो बहुत वेरियस स्टेज से गुजरता है। तो वो पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल रहेगा उसमें क्या डेफिनेशन रहेगी कि द वेरियस स्टेजेस फाउंड इन लाइफ टाइम या लाइफ पीरियड हो जाएगा आर कोड क्या हो जाएगा लाइफ साइकिल। एग्जांपल अपन ले रहे हैं द लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस एज द लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस इज एज फॉलोज। कि लाइफ साइकिल कैसा होता है इसको अपन देखते हैं, एक बार देख लेना। इसका फ्लो चार्ट थोड़ा बड़ा बनेगा, इसको बनाता हूँ, इसको मिटअप करके लाइफ साइकिल कैसा बनता है देखना। कि जो मेल और फीमेल होता है, लाइफ साइकिल जो फ्लो चार्ट रहेगा कैसे रहेगा, मेल एंड फीमेल, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में क्या प्रेजेंट रहेगा, टेस्टिस। फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रहेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा, ओवेरी। अब ओवेरी और टेस्टिस जो होगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यहां पर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, यहां कौन सी प्रोसेस होगी, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस होगी, गैमेटोजेनेसिस। तो मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, या फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होगा उसको बोला जाएगा
ओजेनेसिस। टेस्टिस में गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ओवेरी में गेमेटोजेनेसिस के थ्रू क्या होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। गेमेटोजेनेसिस एक टाइप से आप बोल सकते हो मियोसिस, इसलिए यहाँ हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर बनेंगे। अब क्या होगा, जो हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर बने हैं उनमें क्या होगा? फ्यूजन होगा। हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर में क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन की प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट एक टू एन स्ट्रक्चर होती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, और इस जायगोट में क्या होगा? क्लीवेज होगा, एक तरह से माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोटिकली डिवीजन होगा। उसके फलस्वरूप आपके यहाँ पर कंटिन्यूसली ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये वन सेल्ड है, वन सेल्ड से टू सेल बनेगी, टू सेल से फोर सेल, एट सेल, सिक्सटीन सेल, 32 सेल, ऐसे सेल का क्या बनता रहेगा? मल्टीपल ग्रुप बनता रहेगा, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर डिवीजन रहेगा। जहाँ तक डेवलपमेंट होगा वहाँ तक कंटिन्यूसली डिवीजन, मतलब आपकी पूरी लाइफ साइकिल में क्या होता है? कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहता है यहाँ पर। उसके बाद क्या बनेगा? आप एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसे मोरूला बोला जाता है। मोरूला क्या है? एक तरह से सॉलिड बोल लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड बोल लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सी है? सॉलिड बोल लाइक स्ट्रक्चर है, 16 to 32 सेल्स का बना होगा। किसका? मोरूला 16 to 32 सेल्स का बना होगा। इसका फिर डेवलपमेंट होगा आगे, इसमें फिर डिवीजन होंगे, क्लीवेज डिवीजन होगा। क्लीवेज डिवीजन से आपको किसका फॉर्मेशन होगा? वापस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसे बोला जाता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो होगा ना उसमें 32-64 सेल रहेगी, और इसको ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाता है। ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाएगा। यहाँ पर 32-64 सेल्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसमें इस स्टेज में इसका इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में। इसका क्या होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ यूटेरस, इम्प्लांटेशन ऑफ यूटेरस। यूटेरस का क्या होगा? मतलब जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूटेरस पर के जाकर के चिपकेगा, वहां जाकर के स्टिकी होगा, उस कंडीशन को अपन इम्प्लांटेशन बोला जाता है। जैसे इम्प्लांटेशन होगा तो इम्प्लांटेशन होने के बाद इसके इससे क्या बनेगा? टू फॉर्म गैस्टुला। गैस्टुला का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? गैस्टुला का फॉर्मेशन होगा। और इस गैस्टुला में क्या बनेगा? यहाँ पर एम्ब्रियोनिक मोमेंट होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल मोमेंट होगा, यस स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मूवमेंट होगा, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मूवमेंट होगा, जिसके थ्रू क्या बनेगा? मॉर्फोजेनेटिकली क्या होगा? स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होगा, जिसमें एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, लेयर का फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, सेकंड मेसोडर्म का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेंस यहाँ पर जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होगा, और इन जर्मिनल लेयर के थ्रू फिर आगे अपनी बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद इससे क्या होगा? इसका डेवलपमेंट होगा, फिर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रायो के बाद इससे डेवलप्ड एम्ब्रियो बनेगा। डेवलप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और डेवलप्ड जो एम्ब्रियो होगा उसको फ्यूटस बोला जाता है। डेवलप्ड एम्ब्रियो को क्या बोला जाएगा? फ्यूटस बोला जाएगा। और इस फ्यूटस में से क्या बनेगा? बेबी का बर्थ होगा। फ्यूटस से क्या होगा? बेबी का बर्थ होगा, और बर्थ से इसका अलग अलग स्टेज से गुजरेगा। बेबी के बर्थ से स्टेज से क्या गुजरेगा? इसमें इन्फेंट स्टेज का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगी? बेबी का जैसे बर्थ होगा तो इससे इन्फेंट स्टेज बनेगी,
इन्फेंट स्टेज से कौन सा स्टेज बनेगा? इन्फेंट स्टेज से चाइल्डहुड का फॉर्मेशन होगा, चाइल्डहुड स्टेज बनेगी। कौन सी स्टेज बनेगी? चाइल्डहुड स्टेज बनेगी। चाइल्डहुड स्टेज से टीनेजर स्टेज बनेगी। क्या बनेगी? टीनेजर स्टेज बनेगी। चाइल्डहुड स्टेज से कौन सी स्टेज बनेगी? टीनेजर स्टेज बनेगी। टीनेजर स्टेज के बाद इसमें यूथ का फॉर्मेशन होगा, यूथ स्टेज में जाएगा। कौन सी स्टेज में जाएगा? यूथ स्टेज में जाएगा। यूथ स्टेज से एडल्ट स्टेज बनेगी। कौन सी स्टेज बनेगी? एडल्ट स्टेज बनेगी। एडल्ट स्टेज के बाद ओल्ड स्टेज में पहुंचेगा और ओल्ड स्टेज से क्या बनेगा? उसका डेथ होगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक लाइफ साइकिल चलता है। किस प्रकार से न्यू ऑर्गेनिज्म बना, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और कौन कौन से वो स्टेज से गुजरता है, तो वो पूरा सब मिल करके एक लाइफ साइकिल फॉर्मेशन करेगा। एक टाइप से ह्यूमन बींग का लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना, खुद एक कॉपी मतलब ऑन सेल्फ कॉपी का फॉर्मेशन होना। डेफिनेशन बोले तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑन स्पीसीज। तो कंटिन्यूटी की और स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको इस रिप्रोडक्शन करना होगा। और आप बोले तो क्या अगर रिप्रोडक्शन एक तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके थ्रू इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस और न्यू ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करेगा। तो ये करेक्टर, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगा? सेम स्पीसीज के लाइक क्या बनाएगा? एक स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। वो वाली कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिख लेना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑन स्पीसीज। या आप क्या बोल सकते हो? न्यू स्पीसीज या वंस स्पीसीज। क्या बनाएगा? वंस स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा, एक स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। आप डेफिनेशन अलग कंडीशन में बोलना चाहते हो इनवाइटेड पुना में, आपका अलग डेफिनेशन हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। एक यंग वंस का फॉर्मेशन करेंगे। यंग वंस को क्या बोल सकते हो? यंग वंस या ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ द सेम स्पीसीज या सेम स्पीसीज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। आगे बोलते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स
मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी ऑफस्प्रिंग होगी उसका क्या होगा, ग्रो होगा, मैच्योर होगी, टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा यंग वंस ऑफ द सेम स्पीसीज, जो स्पीसीज रहेगी उसके लायक एक यंग वंस का फॉर्मेशन करेगा, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और ये रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कि महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अब जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगी, द ऑफस्प्रिंग ग्रो करेगी, मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दस देयर इज अ साइकल, ऑफ वहां क्या होगा, बर्थ होगा, ग्रोथ होगा एंड डेथ होगा। एक जो भी लाइफ साइकिल चलेगा उसमें बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, डेथ होगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या करती है भैया, रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जो होगा रिप्रोडक्शन वो जनरेशन टू जनरेशन बनाए रखने में हेल्प करेगा। तो आप कर सकते हो रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज कॉमा जनरेशन टू जनरेशन में ये आपकी हेल्प करेगी। अब आता है पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या पर्पज है, फर्स्ट पर्पज है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की कंटिन्यूटी में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट, ये वेरिएशन में हेल्प करता है, वेरिएशन में हेल्प करता है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ में किस में हेल्प करता है, लाइफ को बनाए रखने में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। किस में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा, लाइफ में इम्पोर्टेंस रोल करेगा। उसके बाद आपके पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सा पॉइंट आता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कौन कौन सा टाइप का होता है, द फॉलोइंग टाइप्स। आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें देखेंगे, अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो अपन डिफरेंस देखते हैं कि सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में अपन ने पहले के लेक्चर में समझ लिया था। फर्स्ट पॉइंट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है यहां पर कि एक कहां पर अकर होगा, इट अकर्स इन लोअर कॉर्डेट एंड लोअर कॉर्डेट। लोअर कॉर्डेट एंड प्लांट्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। क्या पाएगा, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाया। सेकंड कंडीशन चलेगी यहां पर, कहां पर प्रेजेंट होगा, इट अकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स और मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स। यहाँ आप कह सकते हो यहाँ पर वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा या वन पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। कंडीशन आप कह सकते हो यहाँ पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे या टू पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, या कंडीशन बोलो कि यहाँ पर इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल। कौन सी कंडीशन में रहेगा, इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल। यहां पर क्या रहेगा, इट इज यूजुअली कैसा रहेगा, बाय पेरेंटल। बाय पेरेंट की बात करें तो बाय पेरेंट कौन कौन सा रहेगा, एक तो मेल पेरेंट रहेगा एंड फीमेल पेरेंट रहेगा। कौन कौन से पेरेंट रहेंगे, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। और फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर आपको यहाँ केवल क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। यहाँ केवल माइटोसिस इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस बोट टाइप के डिवीजन कब इन्वॉल्व होंगे। हो गया कम, यहां तक हो गया ना कंप्लीट, एक बार राइट डाउन कर लेना सब। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या रहेगा। फोर्थ पॉइंट में आप बोल सकते हो यहां पर गेमिट्स आर
नॉट फॉर्म्ड गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां क्या होगा गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड आर ऑलवेज फॉर्म्ड, यहां पर गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे ध्यान में रखना, जो भी गैमेट्स बनेंगे, एक तो मेल गैमेट बनेगा, जो मेल गैमेट्स बनेगा उसको यहाँ स्पर्म बोला जाएगा, जो फीमेल गैमेट रहेगा उसको ओवम बोला जाएगा। ये बात हो रही है ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, पेमेंट की बात करें, प्लांट की बात करें तो वहाँ पर भी अलग टर्म होता है, वहाँ पर जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा, वहाँ पर गैमेट्स का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एग सेल का फॉर्मेशन होगा। आप ये बात कर सकते हो जब गैमेट्स का फॉर्म होगा तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नॉट फॉर्म्ड, यहाँ फर्टिलाइजेशन नॉट फॉर्म होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, या आप बात करें फर्टिलाइजेशन फॉर्म, जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट भी नहीं फॉर्म होगा, नो जायगोट फॉर्म, नो जायगोट फॉर्म, यहाँ पर जायगोट फॉर्म होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ जायगोट फॉर्म होगा, आ रहा ना भैया समझ में, जायगोट फॉर्म होगा और यहाँ पर क्या होगा, नो एम्ब्रियो फॉर्म, यहाँ पर क्या होगा एम्ब्रियो फॉर्म होगा, नो एम्ब्रियो फॉर्म और एम्ब्रियो फॉर्म दोनों कंडीशन हो गया। उसके बाद कहते हैं एट वाला कंसेप्ट चलते हैं कि यहां पर जो भी डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा, यहां पर जो भी डॉटर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, यहां पर जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, यहां डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, वो आर कैसा रहेगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यहां पर जो भी डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द, यहाँ पेरेंट के जैसा बनेगा, यहाँ पर जो भी जेनेटिकली और यहाँ पर जो भी डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली जो भी डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा वो जेनेटिकली कैसा रहेगा, जेनेटिकल डिफर फ्रॉम पेरेंट, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो जेनेटिकली कैसा बनेगा, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा बनेगा, जेनेटिकली डिफर होगा फ्रॉम पेरेंट, यहाँ पर जेनेटिकली जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, यहाँ डॉटर ऑर्गेनिज्म आर, लिख सकते हैं ना, डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली डिफर फ्रॉम पेरेंट, यहाँ पर डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यहाँ पेरेंट के जैसा बनेगा। नाइन्थ पॉइंट स्टार्ट होगा, यहां पर मल्टीप्लिकेशन अकर्स रैपिडली,
यहाँ पर जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसा होगा, रैपिडली होगा। यहाँ पर कैसा होगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एज रैपिड, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एज रैपिड एज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा मल्टीप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगली बात करें, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं होंगे, सिंस जो भी टेन करेक्टर रहेगा सेंस सिंस देयर इज नो वेरिएशन, सिंस देयर इज नो वेरिएशन सो इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट does not contribute to evolution of the species। यहाँ पर क्या होगा, since there is no variation, यहाँ पर आपको variation नहीं देखने मिलेगा, so it does not contribute to evolution of the species। ये जो species होती है उसमें evolution में कोई भी help नहीं कर पाता है। यहाँ पर क्या होगा, टेन करेक्टर रहेगा सेंस देयर आर वेरिएशन, यहां पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, सो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन of the species यहां पर जो भी स्पीसीज बनती है उसमें इवोल्यूशन में हेल्प करता है। यहां पर आपका लास्ट करेक्टर है कि यहां पर क्रॉसिंग अवर नॉट इन्वॉल्व, यहां पर क्रॉसिंग अवर देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर आपको क्रॉसिंग अवर देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग अवर इन्वॉल्व, यहां पर आपको क्रॉसिंग अवर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आज का लेक्चर में अपन ने लाइफ स्पान का स्टडी हुआ, लाइफ स्पान के बाद लाइफ साइकिल का डेफिनेशन लिखा, लाइफ साइकिल के बाद अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बताया, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बाद आपको टाइप्स ऑफ पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन बताया, पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताया। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट है, तो आगे अपन स्टडी करेंगे। तो आज के जो वीडियो हैं सेकेंड वीडियो का बनाना का स्टार्ट किया, कोशिश कराए कि आपको पूरा मैटर प्रोवाइड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश की जाए कि आपको एनसीईआरटी प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर मिल करके आपका बोर्ड का मैटर तैयार किया जाए। इस परस से मैंने मेहनत किया है कि आपसे थोड़ा सा मैटर पूरा अवेलेबल हो जाए और साथ में अपन जुड़े रहें। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।